नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, इस बार बिहार बोर्ड 2022 में पास हुए मैट्रिक और इंटर के सभी छात्र एवं छात्राओं को बिहार ई कल्याण के तहत 10,000 रुपये उनके खाते में भेजा जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन कैसे करना होगा, कब आवेदन की तिथि आने वाली है, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को अपना नाम लिस्ट में चेक करना होगा कि मेरा नाम लिस्ट में आया है कि नहीं आया है। अगर आपका नाम लिस्ट आया होगा तो श्योर आपको 10,000 रुपये बिहार सरकार ई कल्याण के तहत आपके खाते में भेज दिया जाएगा। उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अगर आपका नाम लिस्ट में है तभी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो पूरी प्रक्रिया को इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग अपने मोबाइल में क्रोम या फिर गूगल कोई भी ब्राउजर है तो एक बार ओपन कर लीजिए, ठीक है। और जैसे प्रोसेस हम बताते हैं ठीक वैसे ही आप लोग एक बार ट्राई करिए कि आपका नाम लिस्ट में आया है कि नहीं आया। सब लोग ट्राई करिएगा जाकर कि आप लोगों का नाम लिस्ट में आया है कि नहीं आया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, आप लोग गूगल को ओपन कर लो, गूगल या फिर क्रोम ओपन कर लो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग गूगल ओपन कर लेना और सर्च बार में लिखना mgbresult.com। सब लोग लिखना mgbresult.com। जैसे ही आप लोग mgbresult.com लिखकर सर्च करते हो तो आप लोगों के सामने एक इंटरफेस खुलेगा और इसी इंटरफेस के तहत आप लोगों को चेक करना है कि आपका नाम जो है वो लिस्ट में आया कि नहीं आया। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, मैट्रिक इंटर स्कॉलरशिप 2022 फर्स्ट डिवीजन को 10,000 रुपये मिलेगा और सेकेंड डिवीजन को 8,000 रुपये मिलेगा। कौन कास्ट को कितना मिलेगा, आप सबसे पहले इस फोटो पर एक बार टैप कर दीजिए। जैसे ही टैप करेंगे तो नीचे आएंगे, नीचे आइए, पूरी प्रक्रिया को अच्छे तरीके से सबका सब जो भी प्रक्रिया आपको बताया गया सब प्रक्रिया को अच्छे तरीके से पढ़ना, तब आपको 100% दिमाग में घुस जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट डिवीजन को कितना मिलेगा, कौन से जाति को कितना रुपये दिया जाएगा, कब अप्लाई करना है ऑनलाइन, कैसे करना है, सब के बारे में यहाँ पर बताया गया। और नीचे दोस्तों आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई है, योजना का नाम मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन राशि, फर्स्ट डिवीजन को 10,000, सेकेंड डिवीजन को 8,000, और आधिकारिक वेबसाइट भी दिया गया जिसके तहत आप अपना नाम चेक कर सकते हैं कि मेरा नाम जो है वो लिस्ट में आया है कि नहीं आया है। और साथ में दोस्तों, आवेदन करने की जो तिथि वो ऑनलाइन प्रक्रिया की गई है, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम की मदद से आप सभी का हम मतलब कि खुद नाम चेक करके बता देंगे कि आपका नाम लिस्ट में आया है कि नहीं आया, ठीक है। और साथ में यूट्यूब चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सभी मेरे प्यारे साथियों, एक बार जाकर देखो कि मेरा लिस्ट में नाम है कि नहीं। क्लिक हेयर पर आप लोग एक बार क्लिक कर देना, और जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने बिहार ई कल्याण का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा और वहां से आप लोग अपना लिस्ट में नाम चेक कर लेना, ठीक है। अगर वहां पर पासवर्ड आईडी मांगेगा तो आप लोग हमें कमेंट करके बताना। जितने भी मेरे प्यारे साथियों, अगर लिस्ट जो है वो चेक करने में अगर आईडी पासवर्ड मांगता है तो हमें कमेंट करके बताना, आईडी पासवर्ड भी आपको बता देंगे कैसे आप लोगों को आईडी पासवर्ड डालना है। सभी मेरे प्यारे साथियों, जाओ अपना नाम एक बार चेक करो कि मेरा नाम लिस्ट में आया कि नहीं आया। अगर आया है तो बहुत ही बढ़िया, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके लिए तिथि आएगी और 5-6 दिन के बाद आने वाली है। जैसे ही आएगी आवेदन की तिथि हमको फर्ज आपको बता देंगे। तो सबसे पहले आपका फर्ज बनता है कि आप अपना नाम जाकर लिस्ट में चेक करें। जाइएगा तो क्लिक हेयर पर क्लिक करिएगा। जैसे ही हम mgbresult.com सर्च मारते हैं तो सर्च मार कर फर्स्ट पेज में जाते हैं और जहाँ पर वो नीचे जाएंगे तो क्लिक हेयर का जो ऑप्शन मिलेगा ना, तो यहीं पर एक बार क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ई कल्याण का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मुख्य, यहाँ पर आपको खुद यहाँ पर दिखा, ये 2021 वाला है, 2021 वाला है मुख्यमंत्री बालिका बालक बालिका प्रोत्साहन, ये 2021 वाला है। तो ये टेंथ का है। आप इसमें जाइएगा तो आप अपना नाम लिस्ट में चेक कर लीजिएगा और नीचे जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति कल्याण, तो आप इस पर क्लिक करिएगा, ठीक है। इसी में आपको मिलेगा सब जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से जानकारी ले सकते हो, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग सबके लिए अलग अलग दिया गया, ठीक है। तो आप अपना पूरा डिटेल यहां से आप आकर देख सकते हैं। तो सभी लोग जाइए वहां से जो लिंक दिया गया है अधिकारी वेबसाइट पर आकर अपना लिस्ट चेक करिए और यहां पर अच्छे तरीके से एक बार पढ़कर समझिएगा, ठीक है सभी मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो जल्दी से जाइए एक बार कोशिश करिए, देखिए कि आपका नाम लिस्ट में मिल रहा है कि नहीं, ठीक है।